हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ राइजर। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टेन मेटल इन द मोल्ड कैविटी ड्यू टू मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप नियर द सरफेस ऑफ द मोल्ड्स सॉलिडिफिकेशन विल स्टार्ट एंड मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसमें देखते हैं, एक स्लैब बनाता हूं मैं, ये स्लैब का साइड व्यू है। स्लैब की थिकनेस होगी टी, ये थिकनेस टी है स्लैब की, ये भी थिकनेस टी है। अब मान लेते हैं कि यहां पर एक राइजर हमने प्लेस किया है और एक यहां पे राइजर हमने प्लेस किया है। इस केस में हमें बताना होता है कि जो स्लैब है उसका अप्रोक्सीमेट लेंथ कितना होगा, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द स्लैब। तो हीट ट्रांसफर सबसे ज्यादा वॉल्स के थ्रू होता है। किसी भी कास्टिंग में अगर देखें हम, तो हीट ट्रांसफर सबसे ज्यादा वॉल्स के थ्रू होता है। बाहर की तरफ हीट ट्रांसफर होगा। अब इसमें हमें ये बताना है कि इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, या इसको मैं बोलूं अप्रोक्सीमेट लेंथ। एग्जैक्ट लेंथ हम नहीं पता कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट पता कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द स्लैब, लेंथ ऑफ द स्लैब। देखिए, ये हमारा राइजर है, दिस इज आवर राइजर। यहां पे दो राइजर मैंने प्लेस किया है। तो राइजर के केस में जो भी थिकनेस होती है हमारी, उससे इफेक्टिवली टू टाइम्स द थिकनेस तक राइजर हीट आसानी से ट्रांसफर करता है। यानी यहां से टूटी और लेफ्ट साइड से भी, राइट से टूटी हो गया, इसके लेफ्ट में भी ये वाला राइजर टूटी, यानी इस पोर्शन से भी ये टूटी हीट ट्रांसफर करेगा टूटी डिस्टेंस तक इफेक्टिवली, और यहां से भी ये टूटी डिस्टेंस तक। लेकिन वॉल्स की अगर मैं बात करूं, तो वॉल्स से इस पर्टिकुलर पोर्शन से इफेक्टिवली जो हीट ट्रांसफर होगा वो होगा लगभग 2.5 टी। तो जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होगा, वैसे वैसे ये पोर्शन सॉलिडिफाई होता जाएगा इधर का, इस तरफ भी जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होगा ये पोर्शन सॉलिडिफाई होता जाएगा। तो जो इफेक्टिव सॉलिडिफिकेशन होगा इस साइड भी, ये होगा हमारा 2.5 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो अगर एंड वॉल्स को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, उसके बाद अप्रोक्सीमेट लेंथ पता करना चाहते हैं, तो यहां लिखता हूं मैं, कंसीडरिंग इफेक्ट ऑफ एंड वॉल्स, ये एंड वॉल्स है, इसके इफेक्ट को कंसीडर करते हुए, कंसीडरिंग इफेक्ट ऑफ एंड वॉल्स, तो ये टोटल जो लेंथ है वो हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.5 टी, एंड 2 टी 4.5 टी, ये हो जाएगा 4 टी, और ये हो जाएगा 4.5 टी। तो टोटल जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 4.5 टी प्लस 4 टी प्लस 4.5 टी। जब हमने वॉल के इफेक्ट को कंसीडर किया है, तो ये हो जाएगा 13 टी। दिस विल बी द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द स्लैब, इस स्लैब की अप्रोक्सीमेट लेंथ हो जाएगी। अगर हम बात करें कि अगर एक राइजर है, मान लीजिए ये स्लैब है हमारा, और इसमें अगर हमको, मान लीजिए ये पोजीशन है राइजर की हमारे, यहां पे हमारा राइजर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे दिया हुआ है, इसको ऐसे बना सकते हैं हम, चलिए
3D बना देता हूं इसका। तो ये देख लीजिए, इस प्रकार का ये स्लैब है हमारा, इसकी थिकनेस हमारी टी है, ये जो थिकनेस है वो टी है। और मान लीजिए ये यहां कहीं प्लेस है, मान लीजिए ये यहां कहीं प्लेस है, तो जो हीट ट्रांसफर होगा इफेक्टिव राइजर के पास से वो टूटी थिकनेस तक होगा, इधर भी और इधर भी टूटी थिकनेस तक, लेकिन वॉल से जो होगा वो होगा 2.5T थिकनेस तक, और यहां पे भी 2.5T थिकनेस तक। तो अगर वॉल के हीट ट्रांसफर को अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा 90 इफेक्टिव लेंथ, अप्रोक्सीमेट लेंथ जो हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी 90। तो इसे हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट लेंथ इज इक्वल टू 90। अगर वॉल के इफेक्ट को हम नहीं कंसिडर करेंगे, विदाउट वॉल इफेक्ट, विदाउट वॉल इफेक्ट, विदाउट वॉल इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो लेंथ हो जाएगी 40। हमने यहां पे दो राइजर देखा है, यहां पे एक राइजर देखा। उसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास मोर देन टू राइजर्स हैं, उस केस में क्या होगा, ये हमारा स्लैब हो गया, स्लैब की थिकनेस टी हो गई, दिस इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब टी। मान लीजिए यहां पे तीन राइजर हमने प्लेस कर दिया, एक यहां और एक यहां। अब इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा इस स्लैब का, अप्रोक्सीमेट लेंथ क्या हो जाएगा इस स्लैब का, बहुत आसानी से बता सकते हैं, टूटी यहां से, टूटी यहां से, तो ये हो जाएगा 4T, ये भी हो जाएगा 4T, टूटी यहां से 2.5T वहां से, तो ये हो जाएगा आपका 4.5T, और ये भी हो जाएगा आपका 4.5T। तो अगर वॉल्स के इफेक्ट को हम कंसीडर करके अगर हम लेंथ पता करेंगे तो अप्रोक्सीमेट लेंथ हो जाएगी हमारी, अप्रोक्सीमेट लेंथ हो जाएगी हमारी कंसीडरिंग द वॉल इफेक्ट्स, कितना हो जाएगा ये 17T, दिस विल बिकम 17T, एंड विदाउट वॉल इफेक्ट अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 80, विदाउट वॉल इफेक्ट अगर बात करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हमें राइजर दिया हुआ, पोजीशन ऑफ राइजर अगर हमको पता है कि कहां पे है, तो बहुत आसानी से हम लेंथ ऑफ स्लैब कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।